राखी बिरलान का जन्मदिन था, जन्मदिन के मौके पर पार्टी हुई और पार्टी में देख सकते हैं आप किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन सबकी नजर एक स्कॉर्पियो पर पड़ी जिसे लेकर बड़ा सस्पेंस। माना यह गया कि ये जो स्कॉर्पियो है ये राखी बिरलान को बतौर गिफ्ट तोहफे में दी गई है, जन्मदिन के तोहफे के तौर पर ये स्कॉर्पियो गाड़ी राखी बिरलान को दी गई। आम आदमी पार्टी के विधायक का ये शाही जन्मदिन का अंदाज आपने देखा। कहा यह गया कि स्कॉर्पियो गाड़ी जो घर के बाहर खड़ी हुई थी दरअसल वो तोहफे में दी गई है राखी बिरलान को। आइए जरा हम कागजात आपको दिखा देते हैं इस गाड़ी के। ये गाड़ी कल ही खरीदी गई है और जिस शख्स के नाम पर यह गाड़ी खरीदी गई है एबीपी न्यूज की टीम उस शख्स के घर पर भी पहुंची और वहां वो शख्स तो नहीं मिला जिसके नाम पर ये गाड़ी दर्ज है, बल्कि इसकी पत्नी से हमने बात की और पत्नी की तरफ से बताया गया कि देखिए तोहफे में देने के लिए गाड़ी नहीं खरीदी गई है, बल्कि ये गाड़ी तो परिवार ने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी है। अपने चलने के लिए ली थी, पर्पस तो यही होगा ना चरने का। हाँ। तो कितने और भी पहले भी गाड़ी आपने? नहीं, एक पहले गाड़ी थी जो बेची है उसके बाद ये दूसरी ली है। पुरानी थी वो तो बेच के ये नहीं ली है। कल ही ली है ये। तो कल आप ये पार्टी में आप भी गए थे कल? कल पार्टी राखी बिरला को मेरे हस्बैंड गए थे। अच्छा, पार्टी में उन्होंने काम किया इलेक्शन वगैरह में। हाँ, वो पार्टी के सपोर्टर रहे हैं। लेकिन जहाँ ये खड़ी हुई थी ना, ये अंदर पंडाल के अंदर खड़ी की थी, जैसे लग रहा था जैसे किसी को गिफ्ट दिया ऐसा कहा गया। बोले अब किसने क्या बोला वो तो उसकी मर्जी है, हमारी चीज हमारी है, जो बोला उसकी मर्जी है, उसने क्या बोला किसने क्या बोला आपने क्या सुना वो तो हमारा समस्या नहीं है ना। तो देखा आपने गाड़ी के मालिक की जो पत्नी है वो कह रही है कि नहीं ये गाड़ी तोहफे में देने के लिए हमने अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी और यही बात आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कही गई है कि गाड़ी गिफ्ट के तौर पर राखी बिरलान को नहीं दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से कैसे घेराबंदी की जा रही है आम आदमी पार्टी की, जरा ये देखिए। जिस तरह की हरकतें ये सब मिलकर कर रहे हैं कोई साधारण चीज़ नहीं है और लोगों ने बड़ा शोर मचा रखा है कि वहाँ शराब पी के खूब झगड़ा हुआ, खूब उधम हुआ और किसी ने स्कॉर्पियो गाड़ी उनको भेंट की है और पता नहीं कितने गिफ्ट आए। तो आम आदमी कहाँ रह गए, तो राजा धन्ना सेठ हो गए, तो दरबारी हो गए एक तरह के। तो बहुत गलत बात है ये, आप जो कर नहीं सकते जिसे निभा नहीं सकते उसे कहना नहीं चाहिए और इन्होंने वही झूठ बोला है। तो देखा आपने कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से सीधा हमला आम आदमी पार्टी पर बोला जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये तमाम आरोप जो हैं वो सिरे से बेबुनियाद हैं। अरे रुक जा, कौन इस गाड़ी को आप रिफर कर रहे हैं? वो गाड़ी राखी की नहीं है, हमारे पास गाड़ी के पेपर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाड़ी पार्टी के एक वॉलंटियर है अखिल प्रताप जिनका नाम है, उनकी गाड़ी है, उनके नाम से इंश्योरेंस पेपर्स हैं, उनकी उनके नाम से सारे गाड़ी के कागजात हैं, ये उनकी गाड़ी है। ताजमहल के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवाने से ताजमहल आपका नहीं हो जाता, वैसे ही गाड़ी के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने से गाड़ी किसी की नहीं हो जाती।